आज मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की हर किसी को जरूरत पड़ती है, और यही कारण है कि सभी इमीदारक ये काम करते हैं। यानी कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र तो बनाते ही हैं, बाकी काम करें ना करें, लेकिन ये काम तो पक्का करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप एक इमीदारक हो तो भी आपको इनके बारे में जानना चाहिए, और अगर आप मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हो तो भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, ये वीडियो हम किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। अब पहले पॉइंट की बात करें तो अब तक क्या था कि हमें जब भी मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ती थी तो हमें जन आधार कार्ड चाहिए ही होता था। अगर हम इमीदार के पास जाते थे तो वो बोल देता था कि जन आधार कार्ड नहीं है तो मूल और जाति नहीं बनेगा, पहले जन आधार कार्ड लेकर आओ। तो ये सिस्टम था, लेकिन अभी इसमें बदलाव हो गया है। अभी अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर रिसिप्ट नंबर है, चाहे वो भामाशाह के हो या फिर जन आधार कार्ड के एक ही है, रिसिप्ट नंबर है, या फिर आप तुरंत अपना जन आधार कार्ड बना के भी मूल और जाति के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सरल सा प्रोसेस है, और इसमें एक चीज खास ये हो गई है कि अगर आप जन आधार कार्ड में कोई भी डिटेल अपडेट करते हो वो तुरंत वहां पर आ जाती है, और जाति और मूल में, अगर आप रिसिप्ट नंबर से अप्लाई करते हो, ये भी मैंने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जन आधार नंबर की जरूरत नहीं है, आप रिसिप्ट नंबर से भी मूल और जाति के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप मूल और जाति इमीदारक से बनवाते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका मूल और जाति जैसे ही बनेगा तो वहां पर जो आपने नंबर दिए हैं मूल और जाति बनाते वक्त, जो नंबर दिए हैं जिन पर आपका ओटीपी आया है, उन नंबर पर जैसे ही मूल या फिर आपका जाति बनेगा इमीदार के पास, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, अगर वो व्हाट्सएप नंबर है तो। ये ध्यान रखना है, इमित धारकों को इसमें ध्यान देना चाहिए कि आपको मूल और जाति अगर आप किसी कस्टमर का बना रहे हो तो उसका पेमेंट पहले ले लेना है, नहीं तो क्या होगा कि मूल और जाति बन जाएगा और उस कस्टमर के पास चला जाएगा और उस कस्टमर को आपकी जरूरत नहीं रहेगी, वो किसी और के पास जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकता है या फिर वो अपने पास मोबाइल में भी सेव करके रख सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसे आसानी से काम में ले सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्लीज यार पेमेंट पहले दे दिया करो अब मूल और जाति अगर आप बनवाना चाहते हो, क्योंकि अब आपके पास जैसे ही आपका मूल और जाति बनेगा आपके मोबाइल पर आ जाएगा, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी आपको अगर आप मूल और जाति बनवा रहे हो। इमित दर्द समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप मूल और जाति अब बनाते हो तो आप सभी को पता होगा कि पहले क्या था कि वहां पर वेरिफिकेशन करना होता था, सबसे लास्ट में एक ओटीपी आता था, हमें एक नंबर दर्ज करना होता था, वैसे वो नंबर ऑटोमेटिक वहां पर आ जाता था, और अगर हम नंबर चेंज करना चाहते तो वहां पर चेंज करके और एक ओटीपी भेजते थे लास्ट में, और जब वो ओटीपी हम वहां पर लगाते थे तभी वो पेमेंट के लिए अगले पेज पे आता था, यानी पे बाई वॉलेट का ऑप्शन हमारे सामने आता था। लेकिन अभी वो ओटीपी नहीं आता, वो काम सरल हो गया। अगर आपको मूल और जाति बनाना है तो आपको सिर्फ एक ही बार वेरिफिकेशन करना होगा, चाहे वो आधार कार्ड से करें या फिर आप जन आधार कार्ड से, एक बार आपको वेरिफिकेशन शुरुआत में करना होगा, उसके बाद उस आवेदक का कंप्लीट डेटा वहां पर आ जाएगा, और उससे आप आसानी से मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में एक जो सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की वो ये है कि मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा, तभी वैलिड होगा जब वो इस पीले वाले पेज पर होगा। इस पेज पर अगर होगा तो ही वो वैलिड होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर हमने सफेद पेज पर मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र को प्रिंट करके दे दिया तो वो वैलिड नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकार जो पीछे से जो गवर्नमेंट जारी करती है मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र, वो सफेद पेज पर ही आता है, वो इस पीले पेज पे नहीं आता। पीले पेज पर तो इमीदार के यानी कि हम आपको प्रिंट करके देते हैं, वहां पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है या फिर इस तरह का मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं आता, वो सफेद पेज पर आता है। उसे हम चाहे पीले पेज पर दें, लाल पेज पे दें, हरे पेज पे दें, वो पेज प्रिंटर में आप कौन सा लगा रहे हो उस पर वो प्रिंट होगा। अब वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ये पेज से प्रमाणित नहीं होता, ये पेज इस बात की गारंटी नहीं है कि जो मूल निवास इस पेज पर प्रिंट हुआ है वो बिल्कुल सही है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि उसमें जो टोकन नंबर लगे हैं उसे अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और अगर आप कलर प्रिंटर से व्हाइट पेज पर भी मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र को प्रिंट करके दे देते हैं जिसमें जो सिग्नेचर है वो ग्रीन कलर का आ जाता
जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूर्णतः वैलिड माना जाएगा, उसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीले पेज वाला मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन पीले पेज पर भी तो फोटोकॉपी हो सकती है, ओरिजिनल की क्या गारंटी है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मान लीजिए कि ये मूल्यवास है हमारे पास, ठीक है, और अगर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में इसकी फोटोकॉपी की ठीक इसी पेज पे, तो कौन बता सकता है कि कौन असली है, कौन सा असली है और कौन सा नकली है? बता सकते हो आप? कोई नहीं बता सकता। तो मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि जो पीले पेज पर है वो तो ओरिजिनल है और जो व्हाइट पेज पर है या फिर दूसरे किसी पेज पर प्रिंट किया हुआ मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र डुप्लीकेट है, नकली है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो इश्यू करती है वो व्हाइट पेज पर ही इश्यू करती है और वहाँ पर ऐसा लिखा नहीं हुआ है कहीं भी कि आप पीले पेज पर प्रिंट करेंगे तो ही वैलिड होगा। तो आपको ये गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए, अगर आप सफ़ेद पेज पर भी प्रिंट करके मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र कहीं भी लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कलर प्रिंटर से प्रिंट करके लगाते हैं तो 100% कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मूल निवास सही है या फिर नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, इस बात की जो गारंटी है वो ये टोकन नंबर देते हैं, ना कि पेज। तो ये गलत फहमी दूर करो सभी। अब जो अगला पॉइंट है वो ईमित धारकों को बहुत ही बेतुका सा लग सकता है, बोलेंगे कि इसके बारे में तो सबको पता है, इसके बारे में जानकारी देने की क्या जरूरत है। तो इसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है सही जानकारी न होने की वजह से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम मूल या जाति के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले जन आधार या फिर रसीद नंबर हमें दर्ज करना होता है। उसके बाद डेटा उठाने के लिए दो ऑप्शन आता है, या तो आधार कार्ड से आप उठाएं या फिर जन आधार कार्ड से। वेरिफिकेशन आप जन आधार कार्ड से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं। तो आधार में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वेरिफिकेशन होगा, और जन आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वेरिफिकेशन होगा उस सदस्य के साथ। तो ये होता है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि हम अपना नाम वहाँ पर एडिट नहीं कर पा रहे और हमारा नाम सही नहीं है, मैंने आधार कार्ड से डेटा उठाया है लेकिन हमारा नाम सही नहीं आ रहा है, और अगर मैं जन आधार कार्ड से उठा रहा हूँ तो जन आधार कार्ड में या तो मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, और रजिस्टर है भी तो भी नाम सही नहीं आ रहा है और हम नाम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, यानी नाम वहाँ से ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसका क्या समाधान है? तो इसका बहुत ही सरल सा समाधान है और आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका क्या है कि आप जन आधार कार्ड में या तो नाम अपना पहले सुधार कर लीजिए और उसके बाद जाति या मूल के लिए अप्लाई करिए, या फिर आप आधार कार्ड में वो सुधार कर लीजिए, नाम अपना सही करवा लीजिए, उसके बाद आप जाति या मूल के लिए अप्लाई करें। इसका सरल सा तरीका ये है कि आप तुरंत जन आधार कार्ड में अपडेट करें नाम, और उसके बाद तुरंत रिसिप्ट नंबर से, ना कि जन आधार नंबर से, रिसिप्ट नंबर से जाति या मूल के लिए अप्लाई करें। उससे मेरे हिसाब से वो नाम वहाँ पर सही आ जाएगा। पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से आ जाएगा। कई बार हो जाता है ऐसा, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये दिक्कत क्यों आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक ईमित धारक हो या फिर आप जाति या फिर मूल बनवाने की सोच रहे हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो देख कर अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो दोस्त। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं पर्सनली एक एक कमेंट देखता हूँ, कई बार क्या है कि टाइम नहीं होता तो रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन देखता जरूर हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कोई भी दिक्कत है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।